भी आज जितनी मेरी इंसल्ट हुई है ना उतनी पहले कभी नहीं हुई है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि मैं कुछ नहीं कर सकती। मगर भी तुम तो कर सकते हो ना। मैं क्या कर सकता हूँ? तुम अनुपमा के डिवोर्स नोटिस का जवाब तो दे सकते हो कि नहीं? ये कोई न्यूज़पेपर नहीं है भी जो पढ़ा और रख दिया। उस औरत को जवाब दो। She has challenged you for God's sake. उन्होंने आपसे ऑफिस में चिल्लाकर बात की। गलती मेरी ही है। जब बरसों पहले उन्होंने पहली बार आवाज ऊंची की थी मुझे तभी उन्हें रोक देना चाहिए था। और संस्कारों के नाम पे, घर में शांति के नाम पे, पत्नी धर्म के नाम पे मैं चुप रही। बस फिर आदत पड़ गई मुझे चुप रहने की और इन्हें आवाज ऊंची करने की। शादी के पहले 3 फेरों में पत्नी आगे रहती है, चौथे फेरे में पति आगे आता है और पत्नी पीछे हो जाती है। बस फिर कभी आगे आ ही नहीं पाती। आवाज नीचे और पत्नी पीछे। पति नाराज होता है तो खुद को समझाती है कि नाराज तो उसी से हुआ जाता है जिस पे अपना हक समझते हैं, पर हक तो पत्नी का भी होता है ना। लेकिन वो कभी अपने पति से ऊंची आवाज में बात नहीं करती। पत्नी की चुप्पी की उम्र उसके रिश्ते से ज्यादा लंबी हो जाती है। अब मुझे देख, जवाब देना तो सीख। रिश्ता टूटने के बाद मम्मी आप अपनी कंडीशनिंग, अपनी परवरिश के लिए खुद को ब्लेम नहीं कर सकती है। जब आपके फैमिली वाले आपको सिखाए कि सब कुछ सहना ही महानता है, जब सोसाइटी वाले आंसुओं को, रोने धोने को ग्लोरीफाई करें, तो ऑब्वियसली किसी को भी लगेगा कि सब कुछ सह कर, रो धो कर पति को खुश रखना ही ग्रेटनेस है। पर तेरे से ही सही, तेरी माँ अपने लिए खड़े होना सीख गई है। पर अपने लिए खड़े होने का मतलब दूसरे को गिराना नहीं होता। मैं भी उन्हें गिराना नहीं चाहती, उनपे कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहती। बस चाहती हूँ कि कोरट में हम दोनों बिना किसी तमाशे के अलग हो जाएं। बस आज ऑफिस में तमाशा बनाया है, कल कोर्ट में तुम्हें जलील करेगी। और ये देखो, डिवोर्स देते वक्त भी उसने अपनी ग्रेटनेस का ड्रामा बंद नहीं किया। लिखती है कि उसे तुमसे कोई एलिमनी नहीं चाहिए, तुमसे एलिमनी ना मांग के तुम्हें जॉबलेस होने का ताना दे रही है। वो लिखा है सिर्फ अलग होना चाहती है और कुछ नहीं। कितनी महान है ना अनुपमा। तुम्हारी नौकरी क्या गई, उसने तो तुम्हें गरीबी समझ लिया। That woman, I tell you, she's just sick. तमाशा करेंगे तो तमाशा बनेंगे। पहले तस्वीर में नहीं थी, अब तकदीर में भी नहीं रहूंगी। मुझे आपसे पैसा, जायदाद, सहारा कुछ भी नहीं चाहिए। इस नोटिस का जवाब जल्द से जल्द दे दीजिएगा। जवाब देना होगा, करारा जवाब। हे भगवान, इतने से सामान का इतना बड़ा बिल। लोगों को दिल का दौरा पड़ता है, मुझे बिल का दौरा पड़ जाएगा। अरे बाप रे, चावल तुम्हारी चा। हाँ, ये बिल देखा? हाँ, महंगाई बहुत बढ़ गई है ना, पर भगवान की कृपा है। जल तो समर में चार चार कमाने वाले हैं घर में। इसका मतलब ये नहीं कि 2000 की नोट को हवाई जहाज बना के उड़ाओ। मुट्ठी हमेशा बंदी होनी चाहिए। पैसे जोड़ो, बचत करो, ताकि वक्त, जरूरत और इमरजेंसी में ना हाथ में कुछ बचे। जी। और ये चॉकलेट वाले कॉर्नफ्लेक्स पाखी के लिए मंगाए? हाँ, वो अगर कभी आएगी घर में और मांगेगी तो इसलिए। समर, तुम हमें हिप हॉप कब तक सिखा दोगे? किंचन आ गई? और क्या गुल खिलाया नौकरी के पहले दिन? हाँ, ले। मम्मी मैं ले लेती। अरे तू थक के आई है ना? कैसा रहा पहला दिन? अच्छा था मम्मी। और वो मैदे की कटोरी ने कुछ बोला तो नहीं? काव्या भी उसी प्रोजेक्ट पर काम करी जिसकी मैं प्रोजेक्ट हेड हूँ। मतलब काव्या आपके अंडर काम करेगी? मतलब वो मैदे की कटोरी उल्टी हो गई?
अरे वाह, मैंने की कटोरी उल्टी हो गई। मैंने की कटोरी तो उल्टी हो गई। मैंने की कटोरी तो उल्टी हो गई। मैंने की कटोरी तो उल्टी हो गई। अरे भैया, ये क्या कर रही हो? अरे खुशी में खुश हो रही हूँ। मैंने की कटोरी उल्टी हो गई। ये देखो टोसो आ गया। ये ले बेटा। कैसा रहा तेरा पहला दिन? अच्छा था। मुंबई में दवे कोचिंग सेंटर्स खोलने, उसकी जिम्मेदारी मॉम ने मुझे दी। मतलब भाई आपको उसके लिए मुंबई जाना पड़ेगा? हाँ, अब यहाँ पे बैठ के तो काम हो नहीं सकता ना। कम से कम अब तो बता दो किससे मिलवा रही हो। रिलैक्स वी, बताती हूँ। हाय हाय, प्लीज कम वनराज। ये रोहित सेठी हैं, मेरी फ्रेंड अल्पा के हस्बैंड और अहमदाबाद के बेस्ट डिवोर्स लॉयर। हेलो मिस्टर शाह। हाय हाय। आज तक आपका सिर्फ नाम सुना था, आज मुलाकात हुई। मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि कोई चाहता ही नहीं कि मुलाकात हो। आइए ना रोहित, प्लीज सर। प्लीज। तो हमसे दूर चला जाएगा? अरे बा, कौन सा अभी जा रहा हूँ, अभी तो प्लानिंग और इनिशियल सेटअप में भी काफी टाइम जाएगा। अरे तेरा बेटा घर छोड़ के जा रहा है, रो किसे? अरे ये घर छोड़ के जा रहा है और तुझे दुख नहीं होगा? होगा बा, बहुत दुख होगा, पर मैं इसे रोकूंगी नहीं। मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे आसमान को छुए, उसके लिए उन्हें अपना घोंसला छोड़ के भी जाना पड़े तो भी चलेगा। तोसु का जाना मुझे बहुत बुरा लगेगा बा, लेकिन उससे ज्यादा और बुरा लगेगा अगर इसके सपने मेरे वजह से अधूरे रह गए तो। अरे पर सपने पूरे करने के लिए वो नागिनी रह गई थी। वाह, हमें अच्छा लगे या बुरा, पसंद आए ना आए, पर सच बात तो यही है कि जितना मेरा हक किंजल पे है उतना ही अधिकार राखी बहन का तोसु पर है। और अब हमारा तोसु बड़ा हो गया है, कहाँ रहना है क्या करना है इसके फैसले हम नहीं, ये खुद लेगा। अरे कैसी निर्मोही हो गई है तू, कोई घर छोड़ के जा रहा है तुझे दुखी नहीं होता है? काव्या ने आपके केस के बारे में ऑलरेडी मुझे बता दिया है। ये नोटिस है जो अनुपमा ने भेजा, ये ऑलरेडी मैं पढ़ चुका हूँ। काव्या ने इसकी पिक्चर भेजी थी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ कंफर्मेशन लेना चाहता हूँ, क्या आप सच में आपकी वाइफ से डिवोर्स लेना चाहते हैं? क्या सोच रहे हो वी, डिवोर्स तो लेना ही है ना? नहीं वी, रिलैक्स। आई नो ऐसे सिचुएशन में डिसीशंस लेना टफ होता है, बट यू ऑलरेडी नो कि यही बेस्ट है हमारे लिए। ये बेस्ट नहीं है काव्या। मैं जानता हूं कि मैं अनुपमा से गुस्सा हूं, पर डिवोर्स नो नो, आई कांट। व्हाई नॉट वी, वैसे भी तुम्हारे और अनुपमा में अब बचा ही क्या है? बहुत कुछ बचा है काव्या, 25 सालों की यादें, हमारे बच्चे, बहुत कुछ बचा है। मैं उससे नाराज हो सकता हूं, नफरत कर सकता हूं, लेकिन डिवोर्स नहीं दे सकता मैं। नो नो, आई जस्ट कांट। सो मिस्टर शाह, तो आप क्या सच में अपनी बीवी से डिवोर्स लेना चाहते हैं? अरे तुझसे तो मैं क्या कहूं, तू तो घर छोड़ रहा है पर तेरी माँ ने तो घर तोड़ा है। अरे बाप को कहां से कहां ले जा रही लीला। मम्मी ठीक कह रही है तोशु, पर जिंदगी हम दोनों की है तो शहर बदलने का फैसला भी हम दोनों का होना चाहिए था। तुम्हें डिसीजन लेने से पहले एक बार सोचना चाहिए था तोशु। तुमने सोचा था? तुमने तो मेरे मना करने के बावजूद भी पापा की जॉब ज्वाइन की। यू डिडंट इवन थिंक वंस कि पापा को कैसा लगेगा।
सही कह रहा है। न उसकी माँ ने सोचा, न उसकी बीबी ने सोचा, तो वो क्यों सोचेगा? देख, तू जो कर रही है वही तेरे बच्चे सीख रहे हैं और वही वो लोग कर रहे हैं। वाह, मेरे हालात अलग थे। भगवान ना करे कभी तोसू और किंजल के बीच ऐसे हालात पैदा हो। दीदी, बच्चे थके आ रहे आए हैं, उनको थोड़ा खा पी लेने दो। We need to talk, Toshu. Yes, we do. मैं उन दोनों के लिए कॉफी बना। ये तो होना ही था। बहू की वजह से मेरा बेटा दूर हो गया। अब एक एक करके उसके बच्चे भी ना उससे दूर हो जाएंगे। इसीलिए कह रहे थे कि मत कर मत कर, अपने घर को मत टूटने दे। घर टूटा है तो बिखरेगा भी, और अब वनराज चुप नहीं बैठेगा। यस, तो ठीक है, मैं आपके डिवोर्स पेपर्स रेडी करा देता हूँ एंड काव्या अनिरुद्ध के साथ आपकी भी डिवोर्स की प्रोसेस शुरू करवा देता हूँ। ठीक है, लेकिन हमें पहले ये डिवोर्स नोटिस का जवाब देना है। डोंट वरी अबाउट दैट एंड रेस्ट अश्योर्ड कि आप दोनों का डिवोर्स मैं बहुत जल्द करवा दूंगा। थैंक्स रोहित। एक्सक्यूज मी, आई नीड टू टेक दिस कॉल प्लीज। तो तुम बिल्कुल अपने पापा की तरह बिहेव करने लगे हो। जैसे वो मम्मी को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, वैसे तुम मुझे ग्रांटेड ले रहे हो। और तुम जो हर बात पे इतना ओवर रिएक्ट करने लगी हो, वो तुम्हें अपने डिसीजन अपने आप लेने का हक है, मुझे नहीं। तो जिस डिसीजन से हमारी लाइफ अफेक्ट हो रही है, वो डिसीजन तुम अकेले कैसे ले सकते हो? एंड हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि तुम जहां कहोगे मैं वहां चली आऊंगी? रियली, जब हमें घर से भाग के शादी करनी थी किंजल, तब तो तुमने कुछ और कहा था ना। तब यू क्लियरली सेड ऑल दैट मैटर्स इज मी। अब मैं काफी नहीं हूं? तोशु, तब हम अपने बारे में सोचते थे जो कि गलत था। नाउ वी आर मैरिड तोशु, और हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हमारी फैमिली की तरफ। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली, डू यू थिंक हम अपनी फैमिली से कुछ दूर रह पाएंगे? अरे लोग रहते हैं ना डिफरेंट सिटी में, डिफरेंट कंट्री में, क्या वो खुश नहीं रहते हैं? मैं लोगों की नहीं, हमारी बात कर रही हूं। ओके फाइन, हम हमारी बात करते हैं। अगर हमें मुंबई जाके एक अच्छी लाइफ जीने का मौका मिल रहा है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? अच्छी लाइफ, यहां क्या कमी है तोशु? किंजल, यहां पे कोई कमी नहीं है, मगर एक बेटर जिंदगी जीने का अगर मौका मिल रहा है, तो उसमें दिक्कत क्या है? मुझे आगे बढ़ना है किंजल। और चाहे उसके लिए अपने को पीछे छोड़ना पड़े। मैं किसी को पीछे नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी जॉब कर रहा हूँ। दिस आल्सो मींस कि तुम मुझे मेरी जॉब छोड़ने पे मजबूर कर रहे हो। सो व्हाट? अरे द एक्सीलेंसी कोचिंग सेंटर तुम्हारा ही है किंजल। थैंक यू तोशु, थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग मी। किंजल, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। इस घर में सब अपने बारे में सोच रहे हैं, सब अपनी अपनी मनमानी कर रहे हैं। पापा, मम्मी, समर, यहाँ तक कि पाकी भी। तो क्या मैं अपने डिसीजन अपने आप नहीं ले सकता? एंड फॉर वंस, अगर मैंने डिसीजन ले लिया है, तो क्या तुम मुझे सपोर्ट नहीं कर सकती हो किंजल? क्यों तुम्हें मम्मी की तरह एक आदर्शवादी बहू बनना है? एक अच्छी पत्नी नहीं बन सकती? What do you mean, मम्मी अच्छी पत्नी नहीं थी? Let's not get into this. That's not the point. The point is कि तुम बदलती जा रही, तुम ऐसी नहीं थी। तुम भी ऐसे नहीं थे तुषु। इतने सेल्फिश बात बात पे भड़क जाना, मुंह फुला लेना, तुम भी ऐसे नहीं थे। जब सिचुएशंस बदलती है ना, इंसान को बदलना पड़ता है। प्यार भी बदल जाता है क्या? फाइन, मुंबई जाने में भी टाइम, इस बारे में हम आराम से बात करेंगे। फाइन, एक बात कहूं तो शू, नाउ आई रियलाइज कि मेरी मॉम कितना सही कहती थी। बट द प्रॉब्लम इज, जब वो सही थी मैंने उन्हें गलत समझा था, और आज जब वो गलत कर रही है, तुम उन्हें सही समझ रहे हो। एनीवे, पर्सनल लाइफ का तो मुझे नहीं पता, बट हाँ, बात जब प्रोफेशन की आएगी तो आई नो यू विल डू योर बेस्ट। और तुम दोनों में रॉकस्टार, अब भाई अगर
गए तो आप सच में हैंडल कर लोगे? और मैं गया तो? मेरे जाने का नाम सुन के ही रोना आ गया। नहीं तो तुझे? नॉट एट ऑल। चल झूठा, जैसी माँ वैसा बेटा। बच्चे बड़े हो जाते हैं, धूल की दुनिया भी बहुत बड़ी हो जाती है। ऐसे में उन्हें घर से जाना ही पड़ता है, और हर बच्चे के साथ माँ के दिल का एक टुकड़ा जाता है। लेकिन तू जाएगा नहीं पकुड़ा, तो मेरा पूरा का पूरा दिल ही चला जाएगा। पता है मुझे ऐसे बच्चों की तरह बातें नहीं करनी चाहिए, समझदार बन के कहना चाहिए कि कोई बात नहीं, तू जाएगा, आगे बढ़ेगा तो माँ खुश होगी, माँ को अच्छा लगेगा। लेकिन पर तुझसे झूठ नहीं कह सकती, तू जाएगा ने तो ऐसा लगेगा जैसे मेरी जान चली गई। पर तू जाएगा तो मैं तुझे रोकूंगी नहीं। हो बापूजी कहते ने कि मोह और प्यार में अंतर होना चाहिए। जो बांधे वो मोह, जो खोले वो प्यार। और मैं अपने तीनों बच्चों से बहुत बहुत प्यार करती हूँ। ना तुम तीनों को रोकूंगी ना बांधूंगी, बस हंसते हंसते नहीं बेच पाऊंगी। हे रॉकस्टार, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रहा हूं, क्योंकि अनुपमा आई हेट टीयर्स रे। पागल चुप करा समर। थैंक गॉड तुम्हारा स्लिंग निकल गया। आई नो बट अभी भी थोड़ा इशू है, इट स्टिल हर्ट्स अ बिट यू नो। इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। आई नो। अच्छा वो रोहित का फोन आया था, ही सेड द पेपर्स आर रेडी, वी शुड गो एंड साइन। चलें अभी? तुम कराओ प्लीज, मैं बाद में कर लूंगी। अभी क्यों नहीं? वी आज नए प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन है, और अगर आज मैं लेट हो गई ना तो तुम्हारी बहू मेरा सर खा जाएगी। मेरी नई प्रोजेक्ट है, तुम्हारी तरह मेरे साथ लीनियंट तो होगी नहीं ना। कोई जरूरी है बार बार इस जॉब के बारे में बात करना? सॉरी, मैं सिर्फ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रही थी वी। एनीवे मुझे देर हो रही है, आई टेक द कार। ओके, तुम कैब से चले जाना प्लीज। ओके टैक्स। हेलो समधी जी, लगता है मुझे देखकर आपको खुशी नहीं हुई, पर मुझे जेन्युइनली आपको ऐसे देख के बहुत खुशी हो रही है। आई मीन विदाउट द स्लिंग एंड ऑल। अरे काव्या, तुम ऑफिस नहीं गई? अरे आज तो तुम्हारे नए प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है ना। अरे Why so shocked? मैं माँ हूँ, अनुपमा नहीं पर माँ तो हूँ। अरे obviously मेरी बेटी से related हर बात मुझे पता तो होगी ना। ओह हाँ, I'm so sorry। बेटी के जॉब मिलने की खुशी में मैं ये भूल गई कि आपकी जॉब चली गई। बहुत बुरा हुआ ना। आई फील सॉरी फॉर यू मिस्टर शाह। घर गया, जॉब गई, बुरा तो लगता है ना। एंड
अपनी जगह पर मेरी बेटी को देखकर तो और भी बुरा लग रहा होगा, है ना? प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। बाईस से 26 जनवरी तेरी मेरी डोरिया के दो नए एपिसोड, पहला शाम 6 बजे और दूसरा शाम 7 बजे। अब लग रहा है ना मेरा वीर असली दूल्हा। आप सिर्फ अभी से इंस्पायर होके तो मैं कीरत से शादी करने वाला हूँ। कीरत, ब्याह के लिए पार्ट साहब का वक्त हो गया है। साहिबा, तुम इसके बारे में जानती थी? तेरी मेरी डोरियां 22 से 26 जनवरी देखिए दो नए एपिसोड्स, पहला शाम 6 बजे और दूसरा शाम 7 बजे स्टार प्लस पर।